हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमाकांत शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी स्टूडियो एंड ग्रेप पर। और आज का सेशन लाइंस एंड एंगल्स का लास्ट पार्ट है जो कि आपको देखना बनता है। उसमें हम कुछ दो तीन कंसेप्ट की बात करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर है। फिर हमारा लाइंस एंड एंगल्स का पूरा रिविजन हो जाएगा, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन कंसेप्ट को रिवाइज करें और आपने जहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उन क्वेश्चन को बार बार देखें, आपका काम बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका स्कोर भी अच्छा रहेगा, फिर क्वेश्चन भी गलत होने के चांस कम है, क्लियर है। तो मैं बता दूं, ये अपनी टीम है अनअकैडमी स्टूडियो एंड ग्रेप पर जो आपके लिए तैयारी करा रही है आपके सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो आगे ये आज लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 6 है, प्रेजेंटेड बाय उमाकांत शर्मा। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं जो कि आपको खुद पढ़ लेने हैं, कोई समय बर्बाद नहीं करेंगे इसमें। एंड ये फीडबैक फॉर्म है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको फिल करना है। इससे हमें पता चलता है कि क्या आपकी डिमांड्स हैं, किस तरीके से हमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। टेलीग्राम ऐप जिस बच्चे के फोन में नहीं है, जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो ऐप को और फिर एसएससी एनग्रेव चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो पाए हर एक एसएससी एग्जाम की। ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप है जो कि आपको इंस्टॉल करनी है और इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है एसएससी एग्जाम एंड बेनिफिट्स मिलेंगे आपको ये सारे। आपको फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, डेडिकेटेड डाउट सेशन, आस्क डाउट इन लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं, एक सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी एजुकेटर का, रियल टाइम इंटरेक्शन हो सकता है आपका एजुकेटर के साथ हर वीडियो में वो भी, और वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, बार बार ऑफलाइन देख सकते हैं। मंथली मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, सभी एजुकेटर जो भी आप जिनसे भी आप पढ़ना चाहते हैं वो सभी अवेलेबल है, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आप देख सकते हैं। कोड आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको 6,000 रुपये का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको मिलेगा एक साल के लिए, और एक साल में आपकी जो 6,000 रुपये फीस रहेगी वो भी कम हो जाएगी यदि आप मेरा कोड अप्लाई कर देते हो यूएस लाइव। कोड अप्लाई करने के बाद ये 6,000 की फीस डिस्काउंट होने के बाद 5,400 रुपये दिखेगा। उसके बाद आपको यदि कोई बच्चा चाहता है 24 महीने का कोर्स लेना, मतलब कि 2 साल मतलब, तो उसको आपको फीस पड़ेगी 9,600 रुपये की। अगर यूएस लाइव कोड अप्लाई कर देगा बच्चा तो उसको ये फीस 8,640 रुपये दिखाई देगी। सो 24 महीने मतलब 2 साल का कोर्स आपको पर मंथ अगर देखा जाए तो 400 रुपये से भी कम में मिल जाएगा। तो इतनी सारी बात हम कर चुके हैं, ये सब आप जानते हो, जो नहीं जानता उस बच्चे के लिए मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं हम आज के अगले क्वेश्चंस पर। पहला आपका क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी है अपने आप में और कंसेप्ट भी है। अगर मैं बात करूं, इसे हम बोलते हैं सीजर पैटर्न। अगर ये सीजर पैटर्न है, जैसे कि आपको दिखाई देगा ये कैची वाली शेप में है, इसे हम बोलते हैं सीजर पैटर्न। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी और ये एंगल मैंने बोल दिया अल्फा बीटा और इसको नाम दे दिया गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, और आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताइए ये एंगल बताइए कितना होगा, ये एंगल आपको पूछता है वो, ठीक है। तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है अंदर वाले तीनों एंगल्स के सम के बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कैसे होता है इसकी बात अभी आप जान जाओगे ये कैसे होता है। देखिए अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं, अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं इस डायग्राम को, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये अल्फा है, ये गामा है और ये बीटा है। अगर मैं इस लाइन को यहां पे मिला देता हूं, इस लाइन को यहां पे मिला देता हूं, तो ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ए बी सी डी, इसको नाम देते हैं ओ। तो ये ए बी डी एक ट्राइंगल है, अगर ये अल्फा है ये गामा है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा डी का वो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। अगर मैं ट्राइंगल डी ओ सी की बात करूं तो ओ का एक्सटीरियर ये है, O का एक्सटीरियर ये है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी आपने और ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है तरीके से। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, या मैं इसको पैरेलल लाइंस भी नहीं बोल रहा हूं, ये आपके सामने एक फिगर दी हुई है, ठीक है। ये लेटा हुआ एम आपको दिखाई दे रहा होगा, लेटा हुआ एम, ठीक है, ये एम फिगर है। अगर एम साइज फिगर है, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी डी और ये ओ।
अगर आपको ये एंगल देता x और ये एंगल देता y, आपसे पूछता है ये वाला एंगल, ये एंगल बताइए आप। तो ये जो एंगल होता है बेटा कुछ नहीं होता, ये x प्लस y के बराबर होता है। कैसे होता है ये अभी हम जान लेंगे। अगर मैं इसका प्रूफ करूं, सॉल्यूशन अगर मैं इसका दिखाऊं आपको, तो ये सब आपको वैसे डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि ये तभी तो आपका टाइम सेव कर पाएंगे ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके लिए बोनस की तरह काम करते हैं अगर आपको इनके कंसेप्ट और आंसर्स याद है। मैंने ये आपके सामने फिगर बना दी, एक पैरेलल लाइन मुझे यहां से खींचनी पड़ेगी, ये पैरेलल लाइन मैंने खींच दी। आप जानते हो ये अगर एक्स है तो ये जो एंगल होगा ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये जो एंगल होगा ये भी एक्स होगा, भाई अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ये एंगल आपको वाई दिया हुआ था तो ये एंगल भी क्या होगा, वाई होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो एंगल आ गया वो कितना आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है, इसी पैटर्न पर अगर मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, ये एक फिगर है जिसमें मैंने आपको एंगल दे दिया ये 30 डिग्री, और ये एंगल आपको दे दिया है 70 डिग्री, तो आप मुझे बताइए ये एंगल एक्स कितना होगा। तो आप सीधा से कहोगे सर ये दोनों अंदर वाले एंगल्स का सम तो बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स होगा वो 70 में से 30 को माइनस कर दो, बस 70 में से 30 को माइनस कर दो तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी या नहीं, आ गई या नहीं ये बता दीजिए आप मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक तो मैं बात हाँ ज्यादातर कर चुका हूं, सभी क्वेश्चंस की बेसिक की बात हम कर चुके हैं, अब तो हम जान रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको। जब भी आपको लाइंस एंड एंगल्स एंगल निकालने के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ सकती है, तो इसलिए आप तैयार रहें उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, घबराए ना क्वेश्चन को देख के, कुछ ना कुछ आपको पेन हिलाना पड़ सकता है, तो उसके लिए रेडी रहना है आपको। 34th क्वेश्चन आज की क्लास का क्या दिया जाए आपको, 4th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चलिए 4th क्वेश्चन आपके सामने मैं देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने ये, ये एक लाइन है भाई, आपको एंगल्स दिए हुए हैं, ब्लैक से मैं लिख रहा हूं एंगल्स को, ये 55 डिग्री है, ये आपके सामने दिया हुआ है 30, ठीक है, ये आपको एंगल दिया हुआ है 155, और आपसे पूछा है, आपको ये भी दिया हुआ है, ये P है, ये Q है, ये L, ये M और ये R, ये S, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि बताइए एंगल लाइन लाइन फाइंड एंगल बिटवीन पी क्यू एंड एल एम, पी क्यू और एल एम के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे अब ये आपको क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करके बताना है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, पी क्यू और एल एम, मैंने कहा था आपको थोड़ा सा पेन हिलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अगर मैंने एल एम को आगे तक ड्रॉ कर दिया, आपको बताया गया है पी क्यू एंड एल एम, और आपको ये भी कहा गया है पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल है, आपको ये भी दिया गया है पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू आर एस के पैरेलल है। चलिए देखते हैं क्या कहानी बनती है आगे की, मुझे बताएंगे कि ये 55 है, अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो आर क्यू ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा का काम करेगी, ये 55 डिग्री है तो ये भी पूरा 55 होना चाहिए, मतलब कि ये 25 डिग्री और हो जाएगा भाई, 30 और 25 55, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब अगर एल एम को देखूं मैं, एल एम 155 है,
अगर मैं LM 155 है और ये 25, 155 और 25 180 डिग्री, इसका मतलब ये जो लाइन है RS और ये लाइन है LM, ये भी क्या है, इसका मतलब पैरेलल हो गई भाई, RS LM के पैरेलल हो गई। और आपको मैंने कहानी समझाई थी जब पैरेलल लाइन के बारे में कि यदि PQ RS के पैरेलल है और RS LM के पैरेलल है तो ये तीनों लाइन ही आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अगर तीनों लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब इन तीनों के बीच में जो एंगल होगा 180 डिग्री का होगा। बात समझ आ रही है या नहीं, 180 डिग्री का होगा या नहीं भाई, तीनों लाइंस के बीच में जो एंगल है ये क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा या नहीं होगा, अगर ये लाइन पैरेलल है। क्लियर पॉइंट, ये तीनों लाइन पैरेलल है और जब लाइन पैरेलल हो गई तो उनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन है ये कई बार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं एक ये। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। एक ट्राइंगल है, डी ए बी सी, आपको दिया हुआ है ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी डी के, बी सी बराबर है सी डी के, ठीक है। तो ए बी बराबर है बी सी, बी सी बराबर है सी डी एंड ए डी बराबर दिया हुआ है बी डी के, ए डी बराबर है बी डी के, ए डी बराबर है बी डी के। आपको बताना है फाइंड एंगल डी ए बी, डी ए बी एंगल बताना है आपको, डी ए बी। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व देखते हैं भाई। आप मुझे बताइए, अगर ये दोनों लाइन, ये दोनों ए डी बराबर है किसके, बी डी के, ए डी बी डी के बराबर है। अगर मैंने ए डी बी डी के बराबर है तो आप जानते हो अगर एक ट्राइंगल में दो साइड बराबर है तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। अगर मैंने कहा ये साइड इसके बराबर है तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा, तो यही फंडा हम यहाँ पे लगाएंगे। AD अगर BD के बराबर है, मान लिया मैंने ये 2 थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा, तो ये थीटा ये थीटा। आपको DAB पूछ रहा है, DAB चलिए देखते हैं कितना होगा, ये 2 थीटा, AB बराबर है BC के तो ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा। अब आपको ये दिया गया है कि ये DC बराबर है BC के, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब आपको समझ आ गया कि एक ट्राइंगल के अंदर, ए डी बी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं चेक करूं तो ये एंगल 2 थीटा, ये 2 थीटा, ये थीटा, तो इसका मतलब ये टोटल हो गया 5 थीटा, 5 थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर हो गया आपका 36 डिग्री। अगर थीटा 36 डिग्री है, हमसे पूछा डी ए बी, हमसे पूछा डी ए बी, अगर डी ए बी पूछ रहा तो डी ए बी है 2 थीटा और थीटा की वैल्यू आ गई है कितनी, 36 डिग्री, तो 36 72 डिग्री, ठीक है। ये कहानी इस क्वेश्चन की रहेगी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन की कहानी। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है वो कि एक लाइन है स्ट्रेट लाइन L जो कि एंगल थीटा बनाती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक स्ट्रेट लाइन है L जो कि x एक्सिस से पहले हम एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये x एक्सिस, ये y, y डैश, ये ओरिजिन, ठीक है। एक लाइन है L जो कि x एक्सिस से बनाती है कितने डिग्री का एंगल, थीटा डिग्री का, और थीटा कैसा है, 90 डिग्री से बड़ा है।
तो थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो कुछ ऐसा एंगल बनाएगी, ये हो गया थीटा। कह रहा है थीटा जो है लाइन जो एल है वो एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है जो कि क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये एल लाइन 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। चलिए कोई नहीं, आगे उसने बोला है देन द एक्यूट एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन एल वन परपेंडिकुलर टू एल विद द वाई एक्सिस। एक लाइन है एल वन जो कि परपेंडिकुलर है एल पर, एक लाइन है जो कि एल वन, इसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं। एक लाइन है L1 जो कि L के परपेंडिकुलर है, जो कि L के परपेंडिकुलर है। पूछ रहा है ये जो L1 लाइन है, ये L1 लाइन इस Y एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, पॉजिटिव Y एक्सिस। तो ये एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल, ये एंगल मान लेते हैं X है, ये बताना है आपको। कैसे बताएंगे बताइए, दोबारा से क्वेश्चन सुन लो आप लोग। एक लाइन थी L जो कि पॉजिटिव X एक्सिस से 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना रही है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर एक लाइन L1 है जो कि परपेंडिकुलर है L के, तो वो लाइन पॉजिटिव Y एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये आपसे सवाल पूछा है। चलिए देखते हैं भाई, आप जानते हो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है, आप जानते हो ये भी 90 डिग्री है भाई, ये 90 डिग्री पे, दोनों एक्सिस 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को, ये थीटा एंगल है। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं ए ओ बी की, तो ये जो एंगल होगा भाई इसका सम और इस 90 डिग्री का सम थीटा के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये एंगल होगा थीटा माइनस 90 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा माइनस 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, इसको नाम दे दूं सी डी, ए सी डी, ए सी डी ट्राइंगल में, ए सी डी ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं एक्स एंगल की, तो ये एक्स एंगल होगा 90 माइनस, ये जो आपने एंगल लिया है थीटा माइनस 90 डिग्री, तो ये 90 और 90 प्लस हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर पॉइंट। तो इसका आंसर हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन है जो कि आपको करना था, क्लियर है गाइस, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपके सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लास्ट में करा देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, बाकी सभी क्वेश्चन जो है वो सेम होंगे, आपको सारे मिलते जुलते मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन आपके सामने, आपको होमवर्क देता हूँ मैं, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, ये पैरेलल लाइंस हैं दो L1 L2, मैंने आपको बताया था ये जो लेटा हुआ M बनता है, अगर इसमें एंगल दे दूं मैं, ये 35 डिग्री और ये 70 डिग्री, आपको बताना है ये एंगल X, ये वाला एंगल बताना है। तो आपको पता है ये जो एंगल होगा अंदर वाला, जो अंदर वाला एंगल होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, और एक पॉइंट पर पूरा 360 डिग्री बनता है, 360 में से इन दोनों का सम माइनस कर देना, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। तो इतना सा इसका सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। आगे की बात अब हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे ट्राइंगल में, ट्राइंगल के बारे में हम जानेंगे कुछ चीजें ट्राइंगल के बारे में। चलिए आगे, ये क्वेश्चन आपको करना है घर से। चलिए तो स्वागत आपका, अब अगले वीडियो में स्वागत करेंगे, अभी आपसे विदा लेते हैं। तो अनअकैडमी स्टूडियो एनग्रेव को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपको शेयर कर देना है और बने रहना है मेरे साथ 90 दिन तक के लिए, जब तक आपका एग्जाम है। थैंक्स, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग एंड से लेट्स क्रैक इट एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी हो रहा है आपके लिए, ठीक है, बाय बाय।